पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे खास मेहमान हैं एक मल्टी टैलेंटेड इंसान, क्योंकि ये राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं और थिएटर भी ये करते आए हैं काफी लंबे समय से। और फिलहाल इनकी प्रोड्यूस की हुई सीरीज गर्मी जो है काफी लोगों को पसंद आ रही है। ऑल्सो ये अपने एक प्ले के लिए टूर पे हैं, तो ढेर सारी बातें इनसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले हेमल, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। थैंक यू लवली टू बी हियर। एक चीज तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे एक लाइफ में इंसान एक रोल को ही बड़ी डिफिकल्टी से प्ले करता है, एक जॉब को ही बड़ी डिफिकल्टी से हैंडल करता है, ये इतनी सारी जगलिंग जो आप करते हैं और इतने अच्छे से करते हैं, हाउ डू यू मैनेज दैट? सो बेसिकली मेरे ख्याल से ये बड़ा डिवाइन है पूरा सर्कस, क्योंकि मुझे मालूम है, आई मीन पीपल डू वन थिंग वन मीडियम एट अ टाइम मोस्टली, बट आई राइट बीन वेरी फॉर्चुनेट। मैं थोड़ा लकी हूँ क्योंकि मेरा आई वॉज बॉर्न टू अ थिएटर एक्टर, माई फादर वॉज अ थिएटर एक्टर। सो थिएटर की जर्नी मेरी काफी बचपन से ही शुरू हो गई थी, तो थिएटर करते करते फिर अदर मीडियम्स आते गए, जैसे हम बढ़ते गए तो वो उस हिसाब से फ्रेंकली भी आई केप्ट डूइंग इट, एंड वो फिर चलता गया और चलते चलते अच्छा खासा सारे ही मीडियम में मैंने काम किया हुआ है। ओटीटी तो अभी कंप्लीट हुआ, फिल्म भी बना ली, टीवी शोज बहुत बनाए, थिएटर कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। सो दैट इज लवली एक्चुअली, आई लाइक माई सेल्फ एक्चुअली फॉर दिस। वी लाइक यू टू, बिकॉज आपकी वजह से यार एक बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट मिलता है। बट जनरली हेमन ऐसा होता है कि जैसे हम मान लीजिए किसी एक फील्ड में है, हमने वो किया, हमें अच्छा लगा या नहीं लगा, एंड देन वी मूव ऑन टू डू समथिंग एल्स, एंड देन ऐसे राइट, करके ही जर। आपके साथ ऐसा नहीं है कि आपने थिएटर से शुरुआत की और थिएटर को छोड़ दिया, या फिर आपने टीवी को छोड़ दिया, आपने ओटीटी नहीं अपनाया, या फिर ओटीटी अपनाने के बाद मूवीज को छोड़ दिया। यू आर डूइंग ऑल ऑफ इट पैरेलली, दैट्स एब्सोल्युटली। चैलेंजिंग। सो दैट्स चैलेंजिंग दैट इट सूट्स द एंटायर टेम्परमेंट आल्सो फ्रैंकली। थिएटर तो छोड़ने की छोड़ मैंने बीच में है ना, व्हेन आई वाज बिजी विद टीवी तो मैंने छोड़ रखा था, फिर मुझे बहुत खलता था कि मैंने छोड़ा हुआ है, तो मैंने फिर से शुरू कर दिया। हाँ क्योंकि एक थिएटर एक है ना बड़ा बेयर मिनिमम मीडियम है, जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिव चीजें बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस कर सकते हो, और यू आर डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ इन थिएटर। इन अदर मीडियम्स यू आर डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, जैसे मूवीज में एक्टर्स हैं, या टीवी या वेब शोज में अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, यू आर डिपेंडेंट ऑन देम। इन थिएटर यू आर डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ, सो थिएटर इज वन कंसिस्टेंट मीडियम विच आई हैव बीन लुकिंग एट, एंड इट्स ग्रेट टू अलाइन विद एवरीथिंग, क्योंकि आपके पास अलग अलग कहानियां आती है, या आपको अलग अलग कहानियां सूझती है, और अलग अलग मीडियम्स में आप कर सकते हो, वो अच्छी बात है एक्चुअली। और इट्स करंटली इट्स आपका जो फ्लेक्सिबल। प्ले है इवनिंग विद कृष्णा, जिसको जी लेकर जी आप जी टूर पे भी हैं, तो वो क्या है, व्हाट इज इट अबाउट? इवनिंग मुझे ना फ्रेंकली कृष्णा पे बहुत सालों से कुछ करना था, मैं ये टीवी शोज वगैरह भी देखता था, मगर वो उतना अपील नहीं करता था, तो मुझे थिएटर फॉर्म में कुछ कृष्णा पे करना था काफी टाइम से, और मुझे है ना आई जस्ट डिडंट वांट टू डू समथिंग विच वाज वेरी बेसिक, कि कृष्णा की कहानी सुना दी। तो फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि हम एक म्यूजिकल बनाते हैं, क्योंकि कृष्णा के भजन सॉन्ग्स और उनकी जर्नी पे काफी सारे गाने भी है, जो फोक सॉन्ग्स है और बड़े पॉपुलर भी है, और कृष्णा की जर्नी के साथ इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट आल्सो फॉर द थिएटर, क्यों लाइव सिंगिंग है, डांसेस है, एंड देर इज अ स्टोरी नरेशन बाय अ वेरी प्रोमिनेंट ऑथर ऑफ गुजरात कॉल्ड काजल ओझा वैद्य। शी नरेट्स द स्टोरी ऑफ कृष्णा, एंड वी सी, एंड हम लोग ने उसमें ग्राफिक्स भी किए हुए, एलईडी स्क्रीन है, तो बड़ा तामझाम, इट इज अ 60-70 पीपल क्रू शो, एंड तो इट्स फॉर्चुनेटली करते करते वो बहुत बड़ा म्यूजिकल बन गया है अभी, सो दैट इज द फन पार्ट ऑफ इट, वी आर ऑल लविंग इट, और अभी तो जन्माष्टमी आएगी तो और ज्यादा शोज करेंगे हम लोग। करेक्ट। बट अमिडस्ट ऑल द अदर प्लेटफॉर्म्स जो मशरूम हो गए हैं, एक जमाने में सिर्फ टीवी हमारे पास होता था, जी जी दूरदर्शन जी होता था, फिर जीसीज आए उसके बाद, तो अभी बाढ़ सी आ गई है कि आपको एंटरटेन कहाँ कहाँ किन किन जरियों से आप हो सकते हैं। ऐसे में आपको
थिएटर की जो प्रेजेंस है या ये जो मैं कहूँ पल्स है, हाउ अलाइव डू यू फील इट इज टुडे ऑल्सो? आई वुड से इफ यू नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, इट इज अ वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस व्हेन यू आर डूइंग ईच शो, बिकॉज बिफोर ईच शो यू डोंट नो हाउ योर ऑडियंस इज गोइंग टू रिएक्ट. राइट, सो इसके लिए हम हिंदी में शो को प्रयोग बोलते हैं. हर हर शो एक प्रयोग होता है, तो अपने आप में वो एक्सपेरिमेंट होता है. भले आपने 100 बार कर लिया हो, मगर इफ यू आर डूइंग इट फॉर 101st time, यू माइट गेट अ ऑडियंस हु इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन वॉट यू थिंक योर ऑडियंस कैन बी. सो एवरी टाइम यू नीड टू परफेक्ट दैट कॉन्टेंट एवरी टाइम, क्योंकि इसमें रीटेक वगैरह तो होते नहीं है. तो करेक्ट, आपका परफेक्शन बहुत मैटर करता है, और वो परफेक्शन अचीव करने के लिए आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा हो जाता है. मीन्स लाइफ में भी अच्छा हो जाता है, और इवन क्रिएटिवली यू आर फार मोर डिसिप्लिन्ड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, नॉट राइट, ओनली एक्टिंग बट म्यूजिक. टाइम पे लाइट आना, टाइम पे कर्टन बंद होना, वो जो टाइमिंग, वो डिसिप्लिन जो है ना, वो आपको बहुत एक्साइट करता है, आई एम और उसके श्योर, मजे भी बहुत आते हैं. राइट। बट मैं ऑडियंस पर्सपेक्टिव से अगर पूछूं, दैट यू नो एज समबडी जो थिएटर में इन्वॉल्व रहे हैं, जैसे आप कह ही रहे हैं कि बहुत मजे आते हैं बिकॉज छोटी छोटी चीजें सब मैनेज करना, सब टू परफेक्शन होना चाहिए क्योंकि यहाँ रिटेक का मौका नहीं है। बट करेक्ट. अगर मैं ऑडियंस की बात करूं, आपको लगता है आज भी व्हेन वी सिटिंग एट 2023 थिएटर की अपनी एक लॉयल ऑडियंस है? थिएटर की डेफिनेटली लॉयल ऑडियंस है, और क्या वो है ना, वो बेयर मिनिमम आर्ट है. तो क्या है कि इट इज नेवर गोइंग टू गो आउट ऑफ फैशन. इट कैन ग्रो इन टर्म्स ऑफ स्केल, बट ऑडियंस उसकी मल्टीप्लाई होती रहेगी. ओनली चीज वो है कि हम अपनी तरफ से हम लोग एफर्ट कितना करते हैं. सो काफी टाइम तक ऐसा रहा है कि हम लोग ने सिर्फ पुराने नाटक किए हैं, ओरिजिनल क्रिएशन नहीं किया. मगर फॉर्चुनेटली इन मुंबई में क्या होता है, मुंबई में मराठी थिएटर भी है, गुजराती थिएटर भी है, हिंदी थिएटर भी है. तो हाँ, फ्रेंकली मराठी में और गुजराती में काफी ओरिजिनल क्रिएशन हुए हैं. बंगाली, मराठी एंड गुजराती थिएटर आर थ्री मॉडर्न थिएटर्स हु हैव गिवन लॉट ऑफ फ्रेश कंटेंट फॉर थिएटर गोइंग ऑडियंस, और बड़ा इंस्पिरेशन है. क्योंकि इवन मराठी थिएटर बहुत खूबसूरत है, और बहुत अच्छा लिखा जाता है, और अच्छे परफॉर्मेंसेस होते हैं. तो कंपटीशन में चीजें चलती रहती है. इवन बंगाल थिएटर अमेजिंग, नो दे ग्रोन ईच ईयर. देयर इज समथिंग मोर एक्साइटिंग हैपनिंग देयर. सो थिएटर के एक बेसिक लॉयल ऑडियंस है. हाँ, एक चीज है कि हम लोग जो अभी ढूंढ रहे हैं वो यंगर ऑडियंस है. यंगर ऑडियंस का कंटेंट अलग है, उनका पर्सपेक्टिव, जैसे उनकी लैंग्वेज अलग हो गई है. शुद्ध हिंदी लोग समझ नहीं पा रहे, अभी वो हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया है. तो वो सारी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी, और यही चीज है ना मैम, यही चीज हमको हेल्प करती है अदर मीडियम्स में. क्योंकि आपका लाइव इंटरेक्शन जो थिएटर के साथ होता है, और जिस तरह की ऑडियंस आपकी बदलती रहती है, तो आपको वो समझ में आता है कि ऑडियंस का टेस्ट ये है, उनकी लैंग्वेज आज की ये है, आज का शौक उनका ये है. तो काफी हेल्प भी करता है दूसरे मीडियम्स राइट। एंड आई थिंक ये जो बात है आपकी, ये इतनी सही प्रूव होती है बिकॉज एक हम बात कर रहे हैं एक प्ले की, जो अभी आप टूर कर रहे हैं जिसके साथ, जिसका आप कह रहे हैं एक में. ऑडियंस जी है, एंड यू आर ट्राइंग टू रीच द यंगर ऑडियंस जी रिलेटेबिलिटी के राइट लिए। दूसरी तरफ राइट ओटीटी पे आपका प्रोड्यूस्ड सीरीज है गर्मी, जिसको गर्मी. कंप्लीटली कहा जा रहा है इट इज सो रिलेटेबल कि इलाहाबाद के या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो या फिर बिहार की यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो या देश के करेक्ट किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, वो बोल रहा है यार ये करेक्ट. मेरी कहानी। हाँ, और ये है ना सो आइडिया भी यही था कि इसको हम लोग कितना रियल रखें. सो देयर वर टू थिंग्स व्हिच टिशु भाई एंड वी हैड टू डिस्कस, कि या हम लोग उसको रियल रखें, या हम लोग शहरों से जो रियलिटी दिखती है वो रखें. ये इस पे बहुत ज्यादा फर्क है. को शहरों में रहने वाले जो है वो जो समझते हैं
कि बिहार में क्या होता है या बनारस में क्या होता है या इलाहाबाद में क्या होता है, वो कंप्लीटली अलग नजरिया है, और जो एक्चुअल रियल है वो एकदम ही अलग है. तो वी हैव फोकस्ड ऑन गेटिंग इट मोर रियल, क्लोजेस्ट टू व्हाट रियल इज, फ्रॉम व्हाट दे आर वेयरिंग टू व्हाट दे आर स्पीकिंग इज कंप्लीटली. और मैं भी बंबई की पैदाइश हूँ, तो मुझे भी ये जर्नी में काफी कुछ डिस्कवरी हुई है कि ये कितना रियल है. क्योंकि यही कहानी जो हम लोग बंबई में कॉफी शॉप में बैठे बैठे सुनते हैं, कोई एक इंसिडेंट, तो हमको लगता है इतना तो नहीं हो सकता यार. बट आप जाते हो, उन लोगों से मिलते हो और वो डिस्कवर करते हो, तो आपको लगता है कि आपको तो यहाँ कुछ पता ही नहीं है. आपको जो यूट्यूब पे या टेलीविजन पे दिखाया जाए तो वो भी सच मान के हम लोग चल रहे हैं, वो पर्सपेक्टिव. करेक्ट सो राइट ये पूरी जर्नी बड़ी, और वहां का यूथ जिसने ये कंटेंट देखा है ना, वो काफी एक्साइटेड है कि काफी समय के बाद किसी ने उनकी सच्ची कहानी कही है करेक्ट जो जो बट उनको बिलोंग करती है. राइट लेकिन ये कोलैबोरेशन हुआ कैसे आपका और तिग्मांशु जी का? तो तिशु भाई, हम काफी सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं. हमारी सबसे पहले पहचान इरफान भाई ने करवाई थी, जब मैंने अप्रोक्सीमेटली सोचा ही था कि मुझे प्रोडक्शन करना है. तो उसके बाद हम लोग कई टाइम मिलते गए. फिर एक जो हमारे को राइटर है तिशु भाई के साथ, कमल पांडे, वो और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं. हम लोग ने काफी साथ में काम किया है. तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग ये कुछ करते हैं साथ में. तो हम लोग ने मीटिंग की, फिर ये डिस्कस हुआ जो तिशु भाई ने अब सोचा था, फिर उस पर रिसर्च हुआ. रिसर्च करके वी वेंट ऑन टू अनदर लेवल. हम लोग काफी टाइम से, तिशु भाई के साथ मैंने पहले 2-3 बार काम करने की कोशिश की थी, बट वो इट डिडंट गो एनीवेयर अनफॉर्चुनेटली. बट दिस टाइम ये बड़ा एक्साइटिंग था. ये सब्जेक्ट मेरे लिए भी बड़ा एक्साइटिंग था, मेरे लिए नया भी बहुत था, और मुझे लगा कि ये नई दुनिया है तो ये एक्सप्लोर करनी चाहिए. पर जैसे हेमल आप टीवी के उस या दौर से कनेक्टेड रहे हैं जहां पे उस तरह के सीरियल्स हैं, या आज भी अगर बोलें तो टीवी इज मोर फैमिली फ्रेंडली, जहां का कंटेंट पूरा परिवार एब्सोल्युटली एक साथ बैठ के देख सकता है. कट टू वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्कुल करेक्ट ओटीटी, ना जहां पर बाउंड्रीज जो है वो थोड़ी सी कम है. सो व्हाट डू यू थिंक करेक्ट. अबाउट दिस डिफरेंस? सो मुझे लगता है ओटीटी जो है ना, वो बड़ी प्राइवेट स्पेस वाली जगह है. अक्सर मोस्टली फोन पे देखी जाती है, अपने प्राइवेट स्पेस में. तो एक बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है कंटेंट देखना. वो आप 10 लोगों के साथ देखना भी नहीं चाहेंगे. पता नहीं क्यों, मगर यू नेवर वॉच अ शो विद योर फैमिली, यू मोस्टली वॉच इट अलोन. आप या घर पे अकेले हो तब देखते हो, या आप फोन पे देख लेते हो. बट आप वो तो वो स्पेस बड़ी इंडिविजुअल है, क्योंकि आपको एनग्रोस्ड होते हो और आप तैयार होते हो आप 3-4 घंटे तक कंटेंट देखने के लिए, तभी आप ओटीटी स्पेस में कोई क्लिक करते हो बटन. तो वो उसका कम्युनिकेशन भी उस तरीका का है. उसकी भाषा देखो या उसका मेकिंग देखो, तो उसकी पूरी ट्रीटमेंट जो है स्क्रिप्ट की वगैरह की, वो टेलीविजन से या फिल्म से दोनों से ही अलग है, क्योंकि वो बड़ा प्राइवेट स्पेस में रखता है आपको. आपको पूरा एक्सपीरियंस है ना, बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक होता है. सो आई थिंक वो बेसिक राइटिंग में या ट्रीटमेंट में या परफॉर्मेंसेस में या लैंग्वेज में या विजुअल्स में उतना बहुत ज्यादा डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड एग्जीक्यूशन बोथ. लेकिन अगर आप एज अ क्रिएटर एक प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं विच हैज सम बाउंड्रीज, क्योंकि आपको उसको फैमिली फ्रेंडली बनाना है, वर्सेस जहां आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए कर रहे हैं जो अभी उभरता हुआ है, जहां आपको यंग मास जो है वो मिल रहा है एंड वेयर यू कैन प्ले विद द बाउंड्रीज, सो ऐसे में वो स्विच ऑन राइट. स्विच ऑफ कितना इजी होता है? बड़ा इजी होता है, क्योंकि आपको है ना रिस्ट्रिक्ट करने के लिए दिक्कत होती है. जैसे टीवी के लिए कंटेंट आप बना रहे हो ना, तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि फैमिली ऑडियंस बैठने वाली है, तो आपकी बेसिक स्टोरी और पटकथा दोनों में ही वो फैक्टर छलकने लगता है. डायलॉग तो सवाल ही नहीं है, वो अपने आप में. और मुझे ऐसा लगता है टेलीविजन में अभी डायलॉग सुनने सुन सुन सुनना बंद हो गया है. हम लोग विजुअल दिखाते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर पे निकाल लेते हैं आधी चीज. राइट तो
हाँ, अनफॉर्चुनेटली हम लोग ने टीवी सुनना बंद कर दिया है, टीवी देखने का वो हो गया है। तो जैसे मुझे ना, आई एम वेरी जो मुझे ये आफ्टर गर्मी लॉन्च ना, तो मुझे मजा ये आया कि इसमें हिंदी बड़ी माइंड ब्लोइंग है। तो आपको हिंदी सुनना बड़ा अच्छा लगता है, अच्छी हिंदी। अब आई एम ग्लैड कि एज अ राइटर टिशुबाई एंड कमल जी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब एट राइटिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ अ लैंग्वेज व्हिच आई हैव नॉट हर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अपने वहां की भाषाएं जो हम लोग है ना, ट्रीटमेंट ड्रिवन बहुत ज्यादा हो गए हैं हर चीजों में। एवरीथिंग वेरी ट्रीटमेंट ड्रिवन, नोबडी टॉक्स, एवरीबडी नोबडी टॉक्स एंड नोबडी लिसन्स। सो आई थिंक दैट इज द बेसिक डिफरेंस टीवी और सो ऑफ कोर्स, एक तो आपका जो टूरिंग है ऑफ दिस प्ले वो आपको बिजी रख रहा है ना, गर्मी रिलीज हो गया है, काफी अच्छा रिव्यू उसको मिल रहा है, तो व्हाट जी नेक्स्ट? जी नेक्स्ट इज देयर आर कपल ऑफ मोर शोज व्हिच आर इन द पाइपलाइन व्हिच विल टॉक अबाउट इट सून व्हेन वी कम टू दैट। बाकी होमवर्क इज ऑन, वेदर इज वन मोर थिएट्रिकल व्हिच आई एम प्लानिंग दिस ईयर एंड और मे बी नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग। एंड देयर आर टू फिल्म्स व्हिच आर देयर। अभी फिल्म की पता नहीं कैसे वो मार्केट है, तो अभी देखते थे बिकॉज़ आई वांट, दीज आर द टू स्क्रिप्ट्स व्हिच आर वेरी क्लोज टू अस एंड वी आर डेफिनेटली वांटिंग टू डू इट बट श्योरली। सो उस पे भी होमवर्क चालू है। सो ओके व्हेन वी आर नॉट एग्जीक्यूटिंग वी आर डूइंग होमवर्क। हम लोग की स्कूल चिल्ड्रन जैसी लाइफ होती है, यू टू गो बैक टू जीरो वंस वी रीच 100। राइट, तो वी विल पेशेंटली वी यू नो वेट फॉर यू टू रीच 100, और यू नो आपका होमवर्क क्लास वर्क सब करके जब आप रिजल्ट ऑडियंस के लिए लाएंगे, तो आई एम वेटिंग फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आपके साथ फिर से बात करूं। फिलहाल फॉर दिस इंटरव्यू हेमल, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।